घर में घुसकर छेड़छाड़ का मामला आया सामने, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। आपको बता दें कि रामनगर ग्राम राजपुरा हल्दुआ में 23 मार्च को एक मामला नाबालिग के साथ जबरदस्ती और छेड़छाड़ करने के बाद उसके सास ससुर के साथ उसके साथ मारपीट की और धारदार हथियार से हमला कर दिया। जब इसकी सूचना रामनगर कोतवाली में मिली तो उन्होंने कार्रवाई करते हुए सभी लोगों पर कड़ी कार्रवाई की। कई धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर रामनगर कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि बीते 23 मार्च को राजपुरा में कई वारदातें सामने आई हैं, जिसमें पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए सभी अभियुक्तों पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच में सम्मिलित पाए जाने वाले इन सभी लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये मारपीट के कुछ मामले आए हैं आपके द्वारा, क्या कार्रवाई की गई सर उसमें? देखिए, चूंकि पीलू मजारा क्षेत्र में दो तहरीर प्राप्त हुई थी, दिनांक 25 को अलग अलग घटनाओं में मारपीट हुई है। दोनों ही तहरीर के में जांच के उपरांत हमारे द्वारा FIR पंजीकृत हो चुकी है और FIR पंजीकृत करके इसकी विवेचना की जा रही है। मतलब तहरीर के आधार मुकदमा दर्ज किया गया है, जैसे मैंने पहले बताया था, उसमें एक में घर में घुसकर छेड़छाड़ और मारपीट वाली तहरीर है, एक में मतलब हमारे घर में घुस के मारपीट वाला आरोप लगाए हैं। दोनों पक्षों के हमने द्वारा मुकदमे लिख दिए गए हैं और इस संबंध में हमारे द्वारा विचना के उपरांत ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, उनके अरेस्ट हो गई है अभी? हाँ नहीं, अभी हमारे द्वारा किसी को अरेस्ट नहीं किया गया है। पहले हम इसमें गुण दोष के आधार पर विचना करेंगे, विचने के उपरांत जो भी हमें सही लगेगा, जो लीगल है, और फिर लीगल उसमें हम लोग एक्शन लेंगे।